देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसकी वजह से गरीबों को कोई परेशानी ना हो। इनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक लगे सिस्टम की वजह से लोगों तक उनका हक उन्हें नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला प्रतापगढ़ के विकासखंड आसपुर देवसरा इलाके का है, जहां बैजलपुर ग्राम के प्रधान पर ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से पैसे तो आए थे, लेकिन उन पैसों में से 30,000 रुपए ग्राम प्रधान ने ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा मकान भी नहीं बन पा रहा है। कितना पैसा मिला आपको? 90। नहीं, आपके खाते में 1,20,000 आया होगा। 40 आई है यहाँ, एक बार 70 आया, हाँ। फिर एक बार 10 आया, हाँ। तो प्रधान को कितना पैसा दिए? 30 ले, 30,000 प्रधान लिए। आपके प्रधान क्या नाम है? रफसेन। हाँ, रफसेन आपके यहाँ प्रधान है? प्रधान ना है, हाँ। वही देहन रहा है। नहीं, प्रधान पैसा लिए, रफसेन लिए थे, हाँ। रफसेन पैसे लेते हैं आपके यहाँ, प्रधानी वही करते हैं? रफसेन प्रधान तो अनु है, हाँ, प्रधान पासी है, हाँ, प्रधान अनु पासी है, हाँ। और रफसेन पैसे लिए आपसे, हाँ। तो रफसेन क्या कह लिए, प्रधान मांग रहे हैं? ना है, वो लेहन कहाँ का, हमका सबको दे दिया हमें 90,000। 90,000, बाकी और पैसे क्या हुआ? वो प्रधान ले लिए सर। प्रधान ले लिए 30,000। क्या कह लिए प्रधान? 30,000 रुपये क्या कह कर के लिए कि हमको दे दो? वो लिए था कि कहे इतना हमारा सबके हक में मिलता है, इतना हम लेंगे, इतना हमारे सब छूट है। तो पैसा आपके खाते में आया, लेकिन जबरदस्ती मांग लियो? हम निकाले जैसे वैसे हमारे हाथ से ले लिया। अच्छा, वहीं बैंक में खड़े थे साथ में? या अपना नहीं गया, एक आदमी भेजा था, मेरा पासबुक ले लिया था। अच्छा, प्रधान किसी और को भेजे थे आपके साथ, वो आपका पासबुक ले लिया और आपसे दस्तखत करवा करके 30,000 रुपये ले लिया। ले लिया, लेंडर क्यों नहीं पड़ा आपका? जब 30,000 और ले लिया, 15,000 मजदूरी नहीं डाले। अच्छा, 15,000 मजदूरी भी नहीं मिली, 30,000 रुपए और ले लिया। छह छह लड़की हमारी यहाँ, हम खिलाएंगे कि लेंटर डालेंगे, 90,000 में क्या करेंगे? इसीलिए लेंटर नहीं पड़ा। हाँ।